All right, we work that. कमर बांध के लगे उनके पीछे क्या कहने बा नहीं, वेस्ट ऑफ एनर्जी लोग करते हैं। कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहां में हम, इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेल बीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व, पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए, आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं, नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वहां में हम मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा, सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती, और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए, जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। अधिकतर पैसे वाले लोग महादुखी होते हैं, जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उसने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज़, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज़ उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है, सिर्फ पैसा कमा लिया। पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मरतबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है। उसके हाथ में दो कमल हैं जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर, जो कि बिल्कुल शुष्क होता है, इसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहाँ भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे दो पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज चार पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, दो पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाऊँ, इसको क्या काटूँ, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं है। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाह ही होता है, वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है।
वो बादशाह के जैसा रहता है, छोटी छोटी चीज के पीछे में, दो दो पैसे के पीछे में, दो दो कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसी लिए लक्ष्मी तत्व फिर जागृत नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती, मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है, छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये ढिकाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं। इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं, कि ये लूं कि वो लूं, कि सब मेरे लिए होना चाहिए, इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं, जो दूसरों के लिए सोचता है। अगर मेरा अच्छा आलीशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलीशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा, मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना मैं अपने साथ कर रहा हूं, तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए, अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा, आपने देखा है, उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है, कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडे तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है, झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए, एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार, कि बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे, कि पास कुछ ज़्यादा हो जाओ वो बांटते ही रहते थे, कोई यही मज़ा ही नहीं आता जब तक वो बांटे नहीं। अगर उनसे कोई कहे कि भाई आप आँख उठा के भी नहीं देखते, जो आया वही उठा के ले जा रहा, आप आँख उठा के नहीं देते, तो कह ले मैं क्या देखूँ, जो देने वाला दे रहा, मैं तो सिर्फ बीच में खड़ा हूँ दे रहा हूँ, उसके देखने का मुझे तो शर्म लगती है, लोग कहते कि तुम दे रहे हो। इस तरह का दानत वाला आदमी जो होता है, जो अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं करता, दूसरों को बांटते रहता है, दूसरों को देते रहता है, देने में ही उसको आनंद आता है, लेने में नहीं, ये आदमी लक्ष्मीपति होता है। ऐसे ही को मिलता है हजार बार रोक देते रहते, जो अपने ही बारे में सोचता रहा है, मेरा कैसा भला होगा, मेरे बच्चों का कैसा भला होगा, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, ऐसे आदमी को लक्ष्मीपति, उस पर कोई शोभा नहीं थी, वो भिखारी होता हर समय। और एक हाथ से वो आश्रय देता है अनेक को अपने घर में, जो भी आया उसे अत्यंत प्रेम से रहना, उसके अत्यंत अपने बेटे जैसे उसकी सेवा करना, आश्रय उसके यहाँ नौकर चाकर, घर में जानवर, अनेक लोग उसके आश्रय में होते हैं, पर वो हमेशा ये जानते हैं कि हमारा आश्रयदाता है, कोई हमें तकलीफ होगी वो हमें देगा, रात को उठ करके भी देगा, और चुप कैसे करता है, उसे बताता नहीं, जताता नहीं, दुनिया को दिखाता नहीं कि मैंने इनके लिए इतना कर दिया, वो कर दिया, एकदम चुप कैसे कर देता है। परमात्मा भी हूबहू ऐसा है, वो एक स्त्री स्वरूप, माँ स्वरूप बनाया हुआ है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और एक कमल पे लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है, आप सोचिए कमल पे खड़ा होना माने आदमी में कितनी सादगी होनी चाहिए, देखो हल्का, उस पर कोई बोझा, कमल पर भी वो खड़े हो सके ऐसा आदमी उसे होना चाहिए, जो किसी को अपने बोझे से न दबाए, जो बहुत ही नम्र होना चाहिए, जो दिखाते फिरते हैं हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, फलाना है, ठिकाना है, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। मातृत्व उनमें होना चाहिए, माँ का हृदय होना चाहिए, तब उसे लक्ष्मीपति कहना चाहिए। यह सब लक्ष्मीपति के लक्षण हैं। और जब आपके अंदर ये तत्व जागृत हो जाता है तो पहली चीज आप में आती संतोष। ऐसे तो किसी चीज का अंत ही नहीं है, आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि कोई सी भी वॉन्ट सैशियबल होती ही नहीं इन जनरल। आज आपके पास ये है तो कल वो चाहिए, वो है तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए, आदमी पागल जैसे दौड़ते रहता, उसके कोई हद ही नहीं होती। आज ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए, लेकिन आदमी में संतोष आ जाता, उसे संतोष आ जाता। जब तक आदमी में संतोष नहीं आएगा वो किसी भी चीज का मजा नहीं ले सकता, क्योंकि संतोष जो है ये वर्तमान की चीज है, प्रेजेंट की चीज है, और आशा जो है ये फ्यूचर की चीज है, निराशा जो है ये पास्ट की चीज है। आप जब संतोष में खड़े रहते हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड जैसे, तब आप पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं जो आपको मिला हुआ, नहीं तो उनके पास कितना भी रहता है तो भी कहते अरे उसके पास इतना, मुझे वो चाहिए, तो ये काहे को मिला, फिर वो मिल गया तो उसको वो चाहिए,
कभी भी ऐसा आदमी अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकता, कभी भी वो ऊंचा नहीं उठ सकता। रात दिन उसकी नजर जो है ऐसी पड़ती रहेगी। जो चीजें बिल्कुल व्यर्थ है, जिनका कोई भी महत्व नहीं, जिनका जीवन में कोई भी महत्व नहीं, जिसका अपने जीवन के आनंद से कोई भी संबंध नहीं, ऐसी चीज के पीछे में वो भागते रहते हैं। पर पहले योग घटित होना चाहिए, फिर क्षेम होता है। हमारे सहयोग में यहाँ पर भी अनेक से लोग आए हुए हैं जो कि हमारे साथ सहयोग में रहे और जिन्होंने पाया और इसमें प्रगति की है, उनकी सबकी फाइनेंशियल प्रगति हो गई, सबकी ए टू जेड। कोई कोई लोगों के पास तो लाखों रुपया आ गए, जिनके पास एक रुपया नहीं था उनको लाखों रुपया मिला। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने, अब जैसे यहाँ देखिए मियाँ बीबी जो आए हुए हैं अंग्रेज लोग, ये इंडिया आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कैसे जाएं, पैसा तो है इनके पास, इनकी भी बड़ी प्रगति हो गई, वैसे भी इनको बहुत पैसा वैसा मिल गया और काफ़ी आराम से रहने लगे। लेकिन जब आने लगे तो उनको एक फॉर्म ने कह दिया, अच्छा तुम मुफ्त में जाओ, हम तुम्हारा पैसा देंगे क्योंकि हम तुम्हारा ये काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ में परमात्मा मदद करता है, और आपके इतना रुपया आपके पास बच जाता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। इन लोग पहले ड्रग्स लेते थे, शराब लेते थे और दुनिया भर की चीज़ें करते थे, उसमें बहुत रुपया निकल जाता था। अब मैंने देखा कि इनके घर अच्छे हो गए, घरों में सब चीज़ें आ गई और अच्छे से म्यूज़िक सुनते हैं, सब अच्छे अच्छे शौक इनके अंदर आ गए, सब बढ़िया तरीके से रहने लग गए, इनके बाल बच्चे अच्छे हो गए। मैंने पूछा भाई ये कैसे होगा, कहले हम तो सारा पैसा ऐसे बर्बाद करते थे और होश ही नहीं था हमको, हम कहाँ रहते थे, हम तो बेहोश ही रहते थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे रहते थे क्या करते। इसीलिए जो गुरुजन हो गए उन्होंने शराब और ऐसी चीज़ों को एकदम मना किया। अब शराब इतनी हानिकर चीज़ है कि इस तरफ से अगर बोतल आई शराब की, उस तरफ से लक्ष्मी जी चली, सीधा ऐसा। उन्होंने देखा कि आपकी शराब की बोतल अंदर आ रही, उधर से वो चली गई। ऐसे आदमी को कभी भी लक्ष्मी का सुख नहीं मिल सकता। जिनके घर में शराब चलती उनके घर में लक्ष्मी जी का सुख नहीं हो सकता। हाँ उनके यहाँ पैसा होगा, लड़के रुपया उड़ाएंगे, बीवी भाग जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तमाशे हो जाएंगे। आज तक एक भी घर आप मुझे बताएं जहाँ शराब चलती है और लोग खुशहाल हों, खुशहाल हो ही नहीं सकते, खुशहाली शराब के बिल्कुल विरोध में बैठे। इसलिए गुरुजनों ने जो मना किया है, खासकर हर एक ने क्यों किया हमको सोचना चाहिए। आखिर वो लोग कोई पागल नहीं थे, उन्होंने हजार बार इस चीज को मना किया है कि शराब पीना बुरी बात है, शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब तो एक ऐसी चीज है कि ये भगवान ने कोई पीने के लिए कभी भी नहीं बनाई थी, पॉलिश करने के लिए बनाई थी, पॉलिश करने के लिए। कल लोग फिनाइल पीने लगेंगे, क्या कहें आदमी के दिमाग का, कुछ भी पीने लग जाए तो उसे कौन क्या कर सकता है। आदमी का दिमाग इतना चौपट है कि कोई भी चीज़ उसकी समझ में आ जाए पीने लग जाता है। उसे किसने कहा था कि शराब पीने के लिए। अब ये पॉलिश की चीज़ आप अपने शराब के नाम से जब पीते हैं तो अपने भी जितने भी लिवर हैं, इंटेस्टाइंस हैं, सब पॉलिश होते जाते हैं। यहाँ तक कि आर्टरीज आपकी पॉलिश होकर के स्टिफ हो जाती, आर्टरीज इतनी स्टिफ हो जाती है कि उसकी जो स्नायु हैं वो अपने को स्थितिस्थापक नहीं बना सकते, माने ना तो वो बढ़ सकते ना घट सकते, बस जम के जाते। आर्टरीज जो है एकदम एक साइज की हो जाती तो खून भी नहीं चल पाता, खून भी अटक जाता, जबकि वो उसकी जब कोई भी दबाव ना हो, उसके ऊपर में कोई खुलाव ना हो और एकदम जैसे कि नली जैसे बन जाए आर्टरीज, उसमें क्या हो। ऐसा पॉलिश तब दूर चढ़ता जाता है इसकी कोई हद नहीं, और मनुष्य भी पॉलिश बन जाता है। ऐसा आदमी बड़ा कृत्रिम होता है, ऊपर से बड़ी अच्छाई दिखाएगा, शराबी आदमी है ऊपर से वाह बड़ा शरीफ है, वो बड़ा दानी है, ऐसा है वैसा है, सब ऊपरी चीज है। जो अपने बीवी बच्चों को भूखा मार सकता है, जो अपने बीवी बच्चों से ज्यादती कर सकता है, वो आदमी कितना भी भला बाहर करके घूमे उसका क्या अर्थ निकलता है बताइए। इसलिए शराब की इतनी मनाई कर गए, इतनी मनाई कर गए, सो किस लिए कर गए। अब मुसलमानों को इतनी मनाई है शराब, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा कोई पीता ही नहीं, क्यों मनाई कर गए इतनी, सोचना चाहिए। मोहम्मद साहब जैसे आदमी क्यों मनाई कर गए, नानक साहब इतना मनाई कर गए, सिखों से ज़्यादा कोई लंदन में पीता ही नहीं, उनके आगे तो अंग्रेज हार गए, है कि नहीं बात सही। कौन से धर्म में शराब को अच्छा कहा है, कोई भी धर्म में नहीं कहा हो, लेकिन सब धर्म में लोग इतना ज़्यादा पीते हैं और अपने गुरुओं का अपमान हो रहा है। हमारी सारी नाभि चक्र और उसके चारों तरफ 10 हमारे जो धर्म हैं जो कि गुरुओं ने बनाए, ये 10 धर्म हमारे नाभि भी होते हैं। इसीलिए इन गुरुओं ने हमें मना किया हुआ है
कि आप अपने धर्मों को बनाने के लिए पहली चीज है शराब या कोई सी भी ऐसी आदत न लगाएं जिससे आप उसके गुलाम हो जाए। अगर आपको ये गुलामी करनी है तो आप स्वतंत्रता की बात क्यों करते? लोग तो सोचते हैं कि गुलामी करना ही स्वतंत्रता। आपको अगर कोई मना करे कि बेटे शराब नहीं पियो तो लोग सोचते देखो ये मुझे रोकते हैं टोकते हैं, मेरी स्वतंत्रता छीनते हैं। मनुष्य इतना पागल है, उसको मना इसलिए किया जाता है कि बेटे तू दूसरी गुलामी मत कर। जब कभी कोई बात बड़े लोग बताते हैं तो उसको विचारना चाहिए, ना कि उसको रटते बैठना चाहिए सुबह से शाम तक। उसको विचारना चाहिए, उसको सोचना चाहिए इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, कोई ना कोई इसकी वजह हो सकती। ऐसे इतने बड़े ऊंचे लोगों को ऐसी बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों इस चीज को बार बार उन्होंने मना किया? ये सोचना चाहिए और विचारना चाहिए। और कोई भी मनुष्य जरा सा भी बैठकर सोचे तो वो समझ सकता है कि इस कदर गंदी ये चीजें हम लोगों ने अपना ली है जिसके कारण हमारे यहाँ से लक्ष्मी तत्व चला गया। इंडिया से लक्ष्मी तत्व बिल्कुल पूरी तरह से चला गया, यहाँ पर लक्ष्मी तत्व है ही नहीं। और जागरूक करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी तत्व जो है वो ही परमात्मा के खोज का पाया है। नाभि में ही विष्णु जी का स्थान है, और विष्णु जी का जो स्थान है, विष्णु जिसे हम लक्ष्मी उनकी जो शक्ति मानते हैं, इसी में हमारी खोज शुरू होती है। जब हम अमीबा रहते हैं तो हम खाना खोजते हैं, जरा उससे बड़े जानवर हो गए तो और कुछ खाना पीना और संग साथी ढूंढते रहते हैं। उसके बाद हम इंसान बन गए तो हम सत्ता खोजते हैं, हम इसमें पैसा खोजते हैं। बहुत से लोग तो खाने पीने में मर जाते हैं, बहुत से लोग तो सुबह से शाम तक क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये करना है वो करना है, इसी में सारे बर्बाद रहते हैं। जिन लोगों को अति खाने की बीमारी होती है वो भी लक्ष्मीपति कहते तो भिखारी होते हैं ऐसा, जिनका कि दिल ही नहीं भरता। एक मुझे कहने लगी है, एक हमारे यहाँ बहू आई थी रिश्ते में, कहे मेरे बाप क्या ये था वो था। अरे मैंने कहा तुम्हें तो दिखाई देना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो जरा भी संतोष नहीं, ये खाने को चाहिए तुमको, वो खाने को चाहिए, घूमने को चाहिए, फिरने को चाहिए, कोई संतोष तुम्हारे बाप ने दिया कि नहीं दिया तुमको? अगर वाकई तुम्हारे बाप ऐसे लक्ष्मीपति थे तो कुछ तो तुम्हारे अंदर संतोष होता, मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है, जब उसकी सत्ता खत्म हो गई, जब उसको समझ में आया कि सत्ता में नहीं रहा, पैसे में नहीं रहा, किसी चीज में वो आनंद नहीं मिला जिसे खोज रहा था, तब आनंद की खोज शुरू हो जाती, वो भी नाभि चक्र से ही होती। इसी खोज के कारण आज हम अमीबा से इंसान बने, और इसी खोज के कारण जिससे हम परमात्मा को खोजते हैं हम इंसान से अति मानव होते हैं, आपा को पहचानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, इसी खोज से। इसलिए लक्ष्मी तत्व बहुत जरूरी चीज, और लक्ष्मी तत्व जो बैठा हुआ है उसके चारों तरफ धर्म है। मनुष्य के 10 धर्म बने हुए हैं। अब आप मॉडर्न हो गए तो आप सब धर्म उठा के चूल्हे में डाल दीजिए, भाई आप मॉडर्न हो गए, क्या कहने आपके, लेकिन ये तो आपके अंदर 10 धर्म आए ही, ये स्थित है, ये वहां है। अगर मनुष्य के 10 धर्म नहीं रहे तो राक्षस हो जाएगा। जैसे ये सोने का धर्म होता है कि ये खराब नहीं होता, इसी तरह से आपके अंदर जो 10 धर्म है वो आपको बनाए रखने हैं, जो मानव धर्म है। अगर इन 10 धर्मों की आप अवहेलना कर रहे हैं, और उसके उपधर्म भी हैं, लेकिन बेसिकली ये 10 धर्म आपको संभालने हैं। अगर वो आप 10 धर्म न संभालें तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी आप पार नहीं हो सकते। पहले जब तक आप धर्म को नहीं बनाते हैं तब तक आप धर्मातीत नहीं हो सकते, धर्म से ऊपर नहीं उठ सकते। पहले इन धर्मों को बनाना पड़ता है, और इसीलिए इन गुरुओं ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करी है। इनकी मेहनत को हम लोग बिल्कुल मटिया मेट कर रहे हैं अपनी अकल की वजह से, सब इसको खत्म कर दे रहे हैं। इन 10 धर्मों को बनाना हमारा पहला परम कर्तव्य है। लेकिन आजकल के जो गुरु निकले हुए हैं उनको आपसे धर्म से कोई मतलब नहीं। आप शराब पीते जो हमको भी एक बोतल और आपको कोई हर्जा नहीं। अच्छा आप अगर औरतें रख रहे हैं ठीक है, रखिए 10 औरतें रखिए और एक हमारे पास भी भिजवा दीजिए, या अपनी बीवी बच्चे हमारे पास भेज दीजिए। आपके जेब में जितना रुपया हमारे पास दे दीजिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। आपको जो भी धंधा करना है तो आपके बस पर्स में जितना पैसा वो इधर जमा कर दीजिए, फिर आप चाहे जैसा। आज ये किस्सा बता रही थी कि हमारे आई हुई है साथ में कि इनकी बहन कजिन थी, वो राजकन्या है वो भी, और उनकी उनके पति बहुत शराबी कबाबी बहुत बुरे आदमी थे, और वो एक गुरु के शिष्य थे। इन्होंने जाकर उनसे बताया कि आदमी मारता है पीटता है सताता है, औरत रख ली है उसको कुछ कहो वो औरतें रखता है, और राजकुमार है लेकिन क्या करे उसका इतना खराब हो रहा है। तो कहे रहने दो तुमको क्या करना,
उसे रुपया हटते गए, रुपया हटते गए, गुरुजी को मतलब उनके रुपये से। ये कोई गुरु है जो कि आपसे रुपया हटते हैं? आपसे गुरु हो ही कैसे सकते जो आपके पैसे के बूते पर रहते हैं? ये तो पैरासाइट से आपके नौकरों से भी गए बीते, कम से कम आपके नौकर आपका कुछ काम करते हैं। जो लोग आपसे रुपया लेकर के जीते हैं, ऐसे दुष्टों को तो बिल्कुल राक्षसों की योनि में डालना चाहिए। और ऐसे दुष्टों के पास जाने वाले लोग भी महामूर्ख है, मैं कहती हूँ। वो देखते क्यों नहीं, क्या आप परमात्मा को खरीद सकते हैं? आप किसी गुरु को खरीद सकते हैं? अगर कोई गुरु हो तो कभी अपने को बेचेगा? उसकी अपनी एक शान होती है, उसको आप खरीद नहीं सकते। कोई भी चाहे, एक ही चीज से आप उसको मात कर सकते हैं, आपके प्यार से, आपकी श्रद्धा से, आपके प्रेम से, भक्ति से, और किसी चीज से वश में आने वाली चीज नहीं। उसकी अपनी एक शान होती है, वो अपनी एक प्रतिष्ठा में रहता है, उसकी एक बादशाहत होती है। उसको क्या परवाह होगी? आप हैं रईस तो बैठे अपने घर में, उसको क्या? वो पतल में भी खा सकता है, वो क्या जमीन पर भी सो सकता है, वो चाहे राजमहल में रह सकता है, वो जैसा रहना चाहे रहेगा, उससे आपसे कोई मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ आपके प्यार से, आपकी श्रद्धा से और आपकी खोज से। अगर आपको खोज है तो सर आंखों पर वो आपको उठा ले। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो आपको परमात्मा की बात बताए, जो आपके आत्मा की पहचान कराए, जो मालिक से मिलाए वही गुरु माना हुआ है। जिसे दिखे उसी को गुरु। ये तो अगुरु भी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। अंगूठिया निकाल के आपको देते, जो आदमी आपको अंगूठी निकाल के देता है वो क्या परमात्मा की बात करता होगा? आपका चित्त अंगूठी में डालता है, आपको दिखाई नहीं देता। जो अब एक है वो अनंगा नाचना सिखा रहे, अधर्म सिखा रहे, कौन से धर्म में लिखा है इस तरह की चीज? दूसरे आजकल के गुरुओं के बारे में ये भी जानना चाहिए कि अपने ही मन से कोई चीज निकाल लिए। इनका पहले के गुरुओं के साथ कोई नहीं मेल बैठता। वो जैसे रहते थे, जैसी उनकी सिखावन थी, जिस तरह से उनका बर्ताव था, जो उनकी बातें थे, उससे इनका कोई मेल नहीं बैठता। अपने जो धर्म का जो अनेक इतिहास चले आ रहे हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि किसी भी धर्म में देखिए तो वही चीज़ कही जाती। आप अपने शंकराचार्य को पढ़ें तो आप सहयोग समझ लेंगे, आप कबीर को पढ़ें आप सहयोग समझ लेंगे, नानक को पढ़ें आप समझ लेंगे, मोहम्मद को पढ़ें आप समझ लेंगे, क्राइस्ट को पढ़ें आप समझ लेंगे, कन्फ्यूशस और सॉक्रेटिस से लेकर सबको आप देखें तो सहयोग ही सिखाते रहे। और ये जो सब आपको सर के बल उठना और फलाना ढिकाना और दुनिया भर की चीज आपको नचा नचा करके मारते हैं, इनको कैसे आप गुरु मान लेते हैं? एक ही गुरु की पहचान है, जो मालिक को मिला है वही गुरु है और बाकी गुरु नहीं। सत्य पे अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको इसी चीज को देखना है। लेकिन इंसान इतना सुपरफिशियल हो गया है कि उसको सर्कस को देखता है। कितने ताम झाम लेकर के आदमी घूम रहा है, कितनी हंडिया सर पे रख के चल रहा है, बाल कैसे बना के चल रहा है, क्या सींग लगा के चल रहा है। गुरु की सिर्फ एक ही पहचान है कि वो सिवाय मालिक के और कोई बात नहीं जानता, उसी में रमा रहता है। वही गुरु माने आपसे ऊंचा इंसान है। लेकिन जिनको आप खरीदते हैं बाजार में, जिनको आप पैसा देते हैं, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, जो आपको हिप्नोटाइज करते हैं, उनके साथ आप बंधे हुए हैं, उनके साथ आप लगे हुए हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाए? और कलयुग में, इस घोर कलयुग में तो ऐसे अनेक हैं, अजीब अजीब तरह के एक एक नमूने हैं। मैं आपसे बता दूं किसका वर्णन करूं, किसका कहूं? ऐसे कभी ना गुरु हुए न होंगे मेरे ख्याल से, जिसका आजकल हो रहा है नमूने एक से। पर वो ऐसी चिपकन होती उस चीज की कि अभी एक वहाँ पर देहरादून में एक देवी जी आई, उनकी कुंडलिनी एकदम ऐसी जमी हुई ऐसी। तो मैंने कहा भाई तुम कौन गुरु के पास गई? तो उन्होंने बड़े से बताया कि उनके पास गए। मैंने कहा आपने उनके बारे में पेपर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक 18 साल की लड़की के साथ उन्होंने जो भी गड़बड़ किया था, उस लड़की ने और 25 और लड़कियों ने ब्लिट्स में और इसमें उसमें सब दूर छापा था, 10 साल पहले छापा था। कहले हमने पढ़ा पर वो सब झूठ है। हमने कहा झूठ है तो आपको क्या मिला उनसे? तो उनको बड़ा बुरा लग गया। कहले मैं तो माता जी शादीशुदा औरत हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा। फिर मैंने ऐसे आदमी के दरवाजे जाना ही क्यों? लेकिन उस पे वो ये नहीं कि औरत बदमाश है, ये नहीं कि वो खराब औरत है, पर उस पे हिप्नोसिस है, हिप्नोटाइज्ड है। कोई उनको फ्रीडम नहीं। गुरु बैठेंगे 7 मंजिल पे जाके, आप जाइए वहां पे सेवा करिए, इतनी बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहेंगी उसमें आप पैसा डालिए। सेवा का मतलब है पैसा डाली। और लोग
घर से पैसे भर भर के ले जाते हैं वहां डालने के लिए। ये आप देख लीजिए, कहीं भी जाकर इतनी बड़ी बड़ी ट्रंकें रखी रहेंगी। अरे हमारे भी पैर छूते तो कोई एक रुपया रख जाता है, कभी पांच रुपया रख जाता है, जाती है ऐसी। ये मतलब आदत पड़ गई ना। हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां भी सवा रुपया चढ़ा। और इसी चक्कर की वजह से हर जगह मस्जिद मंदिर हर जगह गड़बड़ करके रख दिया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जो पवित्र जगह रह गई। और इसी चक्कर की वजह से हमारे जो जवान बेटे हैं, जो जवान लोग हैं, ये सोचते हैं कि परमात्मा है कि तमाशा है ये सब, क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि रखते हैं ना, वो अभी साबित है दिमाग उनके, उनको अविश्वास हो रहा। सारे धर्मों में ये हो गया, आपको आश्चर्य हो। अल्जीरिया से हमारे पास एक आए थे साहब, जवान हैं, बहुत होशियार और इंजीनियर थे, वो भी इसी आंदोलन में कि ये इस कदर ये लोग मुसलमान और ये फैनेटिसिज्म इनमें है और इस तरह से ये लोग दुष्टता करते हैं, अरे मुल्ला लोग ऐसा पैसा खाते हैं और सब पब्लिक के पैसे पे जीते हैं और अपने को बहुत बड़े महान समझते हैं और सब लोग उनके सामने झुकते हैं। फिर वो उन्होंने पोप को भी देखा, वो एक नमूना है। तो बिल्कुल अविश्वास से भर के आए, उनका कि ये सब नथिंग है, बिल्कुल इसमें कोई अर्थ नहीं, सब झूठ। जब वो हमारे पास आए तो हमने कहा कि ये बात नहीं, जब सत्य है तभी उसका झूठ निकलता है। जब सत्य होता है तो उसी के आधार पे लोग झूठ बनाते हैं ना। तो सत्य भी कोई चीज़ है, एब्सोल्यूट भी कोई चीज़ है। अच्छा, हमने कहा तुम देखना सहयोग में, सहयोग जो है ये धर्मांधता और अविश्वास के बीचों बीच, जहाँ परमात्मा साक्षात आपसे कराते, आप स्वयं इसका साक्षात करें, इसका अनुभव करें, इसमें जमें। जब तक आप सहयोग में जमते नहीं तब तक आप पूरी तरह से इसका अनुभव नहीं कर सकते। जो जम गए उन्होंने मिल जाता है, जिन खोजा तिन पाया। अगर खोजा ही नहीं तो कोई आपके पैर पे तो सत्य बैठने नहीं वाला आके कि भैया मुझे खोज। उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, उसको खोजना चाहिए। लेकिन उसको खोजने से सत्य से आनंद उपलब्ध होता है। सत्य और आनंद दोनों ही चीज है, एक ही चीज है दोनों। जैसे चंद्र की चंद्रिका होती है या जिस तरह से सूर्य का उसका अपना प्रकाश होता है, उसी प्रकार सत्य और आनंद दोनों चीजें एक साथ हैं। जब आप सत्य को पा लेते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं, आनंद में रममाण हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लेक्चरबाजी नहीं है कि आपको मैं लेक्चर देती रहूं सुबह से शाम तक। लेक्चर से तो मेरा गला थक गया, अब पाने की बात है कि कुछ पाओ, आत्मा को पाओ। बहुत से लोग ऐसे भी मैंने बहादुर देखे, हमें तो कुछ हुआ नहीं माता जी, माने बड़े अच्छे हो गए। होना चाहिए, नहीं हुआ माने कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, कोई ना कोई तकलीफ है, आप बीमार हैं, आपका मेंटली आप ठीक नहीं है, आप कोई गलत गुरु के सामने अपना मत्था टिका है। अगर आपने अपना मत्था ही, जो कि परमात्मा ने इतनी शान से बनाया है, इसको गलत आदमी सामने टेक दिया है तो खत्म हो गया मामला। आपको हमें भी अंधता से नहीं विश्वास करना चाहिए, गलत बात। हम चाहते हैं कि आप पाओ और उसके बाद अगर आपने अविश्वास किया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, और उसके बाद भी आप अगर जमे नहीं तो आपके लिए क्या कहा जाए। जब आप पा लेते हैं तब इसमें जमिए, और जमने के बाद आप देखिए कि आपकी पूर्ण शक्तियां जो भी हैं इस तरह से हाथ से बहती हैं, और आप फिर दूसरों को भी इस आनंद को दे सकते हैं, दूसरों को भी ये सुख दे सकते हैं। और ये किस तरह से घटित होता है, कैसे बन पड़ता है, ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें गुजरते जाते हैं आप खुद इसको समझते हैं। अब इनमें से बहुत से लोग हैं 6 महीने पहले हमारे पास में, सिर्फ 6 महीने पहले हमारे पास में। अभी डॉक्टर बरजोर जी साहब हैं, ये हमारे पास 6 महीने पहले आए, और ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं लंदन के, इसके अलावा जर्मनी में भी प्रैक्टिस करते हैं। जब से इन्होंने पाया है इसके पीछे पड़ गए, तब से इन्होंने कैंसर ठीक किए हैं, दुनिया भर की बीमारियाँ ठीक की, और अब कहते हैं कि इसको पाने के बाद बाकी सब कुछ इरेलेवेंट लगता है हमको। क्योंकि जब आप बिल्कुल सूत्र पे ही काम करने लग गए, जब सूत्र को आपने पकड़ लिया तो फिर बाकी चीज़ें हिलाना कोई मुश्किल है। इसी प्रकार आप सब इसके अधिकारी हैं, इसीलिए से सहज कहते हैं। सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, या आप भी इसके अधिकारी, हर एक आदमी इसका अधिकारी है और इसको पा लेना चाहिए। जैसे एक दीप दूसरे दीप को जला सकता है, उसी प्रकार एक रियलाइज सोल दूसरे को रियलाइजेशन दे सकता है, पर रियलाइज सोल होना चाहिए। अगर एक दीप जला ही हुआ नहीं तो दूसरे दीप को क्या करेगा। जब दूसरा दीप जल जाता है तो वो तीसरे को जला सकता है। इसी प्रकार ये घटना घटित होती है और आदमी के अंदर में लाइट आ जाती है।
अब लाइट आने का मतलब ये नहीं कि आप लाइट देखते हैं, ये भी एक दूसरी अजीब सी चीज़ है कि लोग लाइट देखना चाहते हैं। देखना जब होता है तब वहाँ आप नहीं होते। जैसे कि समझ लीजिए आप जब बाहर हैं तो आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, लेकिन जब आप अंदर आ गए तो क्या देखिएगा? कुछ भी नहीं। तब तो सिर्फ आप होते मात्र हैं, आप देखते नहीं हैं कुछ। जहाँ जहाँ देखना होता है तो सोचना कि आप अभी बाहर हैं। लाइट जो लोगों को दिखाई देती है ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, वैसी लाइट है, स्पार्क उड़ता है। इसलिए जिस चीज को लाइट दिखाई हो वो मुझे बताएं, आज्ञा चक्र टूटा है उस आदमी, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये सारे चक्र भी कुंडलिनी अपने आप से ठीक करती चलती है। वो आपकी माँ है, आप हरेक की अलग अलग माँ है, वो आपकी जिसको सुरति कहते हैं वही यह सुरति है, और ये अपने आप से चढ़ती है और अपने आप आपको ठीक करके वहाँ पहुँचा देती है। आप में अगर कोई दोष भी है वो भी हम समझ सकते हैं, वो भी वो बता देती कि इनका दोष ठीक कर दो। कोई गलती हो गई वो भी ठीक हो सकता है, लेकिन अपने को रिसेप्टिव मूड में रखना चाहिए कि हम इसे ले लें, प्राप्त कर लें और हो जाए। अब कल भी एक बात जो उठी थी वो आज भी दिमाग में किसी के उठ रही है कि कुंडलिनी अवेकनिंग तो लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल चीज़ है, बड़ी कठिन चीज़ है, ये कैसे होती है, इसमें कोई नाचते हैं, कोई बंदर जैसे नाचते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं होता। हमने हज़ारों की कुंडलिनी जागृत की और पार किया हुआ है, ऐसे कभी भी नहीं होता है। जो परमात्मा ने आपके उद्धार के लिए चीज़ रखी हुई, आपके पुनर्जन्म के लिए आपकी माँ है, वो आपको कोई भी दुख नहीं देती, उल्टे आपको वो अत्यंत सुखदायी है। कैंसर जैसी बीमारी कुंडलिनी के अवेकनिंग से ठीक होती है, सारी बीमारियाँ आपकी ठीक हो सकती है। इस तरह की बड़ी भारी प्रेमदायिनी, आशीर्वाददायिनी, इस तरह की बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर में है। तो इस तरह की गलत धारणाएं कर लेना कि हम बंदर हो जाएंगे या मेंढक हो जाएंगे, आपको अति मानव जो बनाने वाली चीज़ है वो आपको क्या मेंढक बनाएंगे? इस चीज़ को आप समझ लें। अब ये कठिन होता है वो उसके लिए कठिन है जो बेवकूफ़ है, जिसको मालूम नहीं, जो इसका अधिकारी नहीं उसके लिए कठिन है, जो इसका अधिकारी और जो इसके सारे काम काज जानता है उसके लिए बाएं हाथ का खेल। हो सकता है कि हम इसके अधिकारी हैं और हम इसके सारे काम जानते हैं इसीलिए आसानी से उठती है। बहरहाल आप अपनी आँख से देख सकते हैं इसका उठना, आप इसकी जागृति देख सकते हैं, इसका चढ़ना भी देख सकते हैं, और उसकी हम लोगों ने फिल्म विल्म भी बनाई है। पर जो लोग बहुत शंकाखोर होते हैं उनके लिए सहयोग ज़रा मुश्किल से पनपता है। इस चीज़ को पाना चाहिए और इसको लेना चाहिए। आजकल जो ज़माना आ गया है, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं कलयुग में, असल में हम ये कहेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनसेंसिटिव, संवेदना हमारे अंदर नहीं। हम अध्यात्म की चीज़ को अगर समझते होते और अगर समझते कि आत्मा की पहचान क्या है तो हम कभी भी गलत गुरुओं के पीछे नहीं भागते। लेकिन हमारे अंदर सच को पहचानने की शक्ति बहुत कम हो गई, क्षीण हो गई, हम नहीं पहचान सकते कि सच्चाई कहाँ है। उसकी वजह यह है कि हम इतने कृत्रिम हो गए, इतने आर्टिफिशियल हो गए। आप आर्टिफिशियल हो जाइएगा तो आपके सत्य को पहचानने की शक्ति कम हो जाएगी। पर जैसे गांव में अभी मैं देखती कि गांव में लोग एकदम पहचान लेते, वो पहले पहचान लेते कि कौन असल है कौन नकल है। गांव के लोगों में नब्ज होती है इस चीज़ को पहचानने की, वो समझते हैं कि ये आदमी नकली है और ये आदमी असली। पर शहर के लोग तो आप जानते हैं कृत्रिम हो जाते हैं, आर्टिफिशियली रहते हैं, इसलिए शहर के लोगों को पहचान नहीं होती, और इसीलिए वे जितने चोर भामते लोग हैं ये सब आपके शहर के पीछे लगे। ये सारे शहरों में आते हैं, गाँव में कोई नहीं काम करते, क्योंकि आपके जेब में पैसे होते हैं, आपके जेब से इनका मतलब होता है। वो काय को गांव में चले, सहयोग हमारा गांव में चलता है। असल में शहर में तो हम यूं ही आते हैं, लेकिन असल में हमारा काम जो है गांव में होता है। गांव के जो सीधे साधे सरल परमात्मा से संबंधित लोग होते हैं वो इसको बहुत आसानी से पा लेते हैं, उनको एक क्षण भी नहीं लगता, उनको एक क्षण भी नहीं लगता। लेकिन शहर के लोगों में एक तो शहर की आबो हवा की वजह से और यहाँ के तौर तरीके की वजह से आदमी इतना अपने को बदल देता है, इस कदर अपने को धर्म से गिरा लेता है। अब ये उसमें क्या हुआ साहब, सब लोग पीते हैं, बिजनेस के लिए पीना चाहता है, मानो जैसे बिजनेस ही भगवान है, उसको तो पीना ही चाहिए, फिर उसके अगर बिजनेस कैसे चले? तो या तो फिर ये कहो कि तुम परमात्मा में या धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, और अगर जरा भी विश्वास करते हो तो जो अधर्म है उसको नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं किसी को पीने की, यह भी एक गलत फहमी है कि बिजनेस के लिए करना पड़ता है। इसके लिए जो आदमी अपने को धोखा देना चाहता है उसे को कोई नहीं बचा सकता। हमारे पति भी आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में रहे, उन्होंने बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी चलाई, उसके बाद आज भी बहुत बड़ी जगह पे पहुंचे हुए हैं। हमेशा उनका, कभी मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि शराब मेरे बस की नहीं, और जिंदगी भर उन्होंने कभी छुई नहीं एक बूंद भी, और भगवान की कृपा से बहुत सक्सेसफुल रहा,
सब उनको मानते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। आज तक किसी शराबी आदमी का कहीं पुतला बनाया कि महाशराबी थे? मुझे एक भी बताए, एक भी देश। इंग्लैंड में लोग इतनी शराब पीते हैं, मैंने किसी को देखा नहीं कि यह बड़ा शराबी खड़ा हुआ है, इसकी पूजा हो रही कि शराब पीता था। किसी शराबी की आज तक संसार में कहीं भी मान्यता हुई है? फिर आपका बिजनेस इससे कैसे बढ़ सकता है? अगर आपकी इज्जत ही नहीं रहेगी तो आपका बिजनेस कैसा था? इज्जत से बिजनेस होती है, धोखाधड़ी से बिजनेस नहीं है। जो आदमी एक बार खड़ा हो जाए तो कहते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है। इस तरह से अपने को आप इन चक्करों में, इन सोसाइटीज में, इसमें इस तरह से क्यों मिलाते जा रहे हैं? आप अपने व्यक्तित्व को संभालें, इसी के अंदर परमात्मा का वास है। आजकल के जमाने में ये बातें करना ही बेवकूफी है और कहना ही बेवकूफी है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपने अपने को कितना तोड़ डाला है, अपने को कितना गुलाम कर लिया। इन सब चीजों में अपने को बहा देने के बाद आपको मैं क्या दे सकती हूँ, आप ही बताइए। अब कम से कम सबको ये व्रत लेना चाहिए कि हम खुद जो हैं, हमारी इज्जत है। परमात्मा ने हमको एक अमीबा से इंसान बनाया है। एक अमीबा छोटा सा, उससे इंसान बनाना कितनी कठिन चीज है। हजारों चीजों में से गुजार करके, इतनी योनियों में से गुजार के आज आपके जैसी एक सुंदर सी चीज परमात्मा ने बना के रखी। फिर आपको उसने फ्रीडम दे दी, स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो अच्छाई को वर्ण करो और चाहे तो बुराई को। जिस चीज को चाहे तुम अपना सकते हो। तुमको बुराई को अपनाना, चलो बुराई को अपना, अच्छाई को अपनाना, अच्छाई को बनाओ। अब आपको भी सोचना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया हुआ है, इतनी मेहनत से बनाया है, उसने वो भी इंतजाम हमारे अंदर जरूर कर दिए होंगे जिससे हम उसको जाने और उसको समझे और अपने को जाने और हमारा मतलब क्या है, हम क्यों संसार में आए हैं, हमारा क्या फुलफिलमेंट है। मनुष्य ने यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हम इस संसार में क्यों। साइंटिस्ट ये क्यों नहीं सोचते कि हम अमीबा से इंसान क्यों बनाएंगे? हमारी कौन सी ऐसी बात है कि जिसके लिए परमात्मा ने इतनी मेहनत की और उसके बाद हमें स्वतंत्रता दे दी? बस इसी जगह परमात्मा भी आपके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आपकी स्वतंत्रता परमात्मा नहीं छीन सकते। अगर आपको परमात्मा के साम्राज्य में बिठाना है, आपको अगर राजा बनाना है, तो आपको परतंत्र करके कैसे बनाए? आपको क्या हिप्नोसिस करके बनाया जाए? आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो परमात्मा को स्वीकार करें अपने जीवन में और चाहे तो शैतान को करें। दोनों रास्ते आपके लिए पूरी तरह परमात्मा ने खोल के रखे। और सबने बड़ी मेहनत की है। मैं आपसे बताती हूँ कि गुरुओं ने कितनी आफतें उठाई हैं, इतनी मेहनत आपके पीछे, सारे जितने भी अवतार हो गए उन्होंने, गुरुओं ने कितनी मेहनत करी, उनको कितना सताया हमने, उनको कितना छला, उनकी कितनी तकलीफ, वो सारी बर्दाश्त करके उन्होंने आपको बिठाने की कोशिश की। लेकिन कलयुग ऐसा कुछ आया बवंडर जैसे कि हम सब कुछ भूल कर गए और हमारी जो भी आत्मिक संवेदन है उसको भूल गए। हम पहचान ही नहीं पाते किसी इंसान की शक्ल देख करके कि ये असली है कि नकली है। आश्चर्य हो, शक्ल से जाहिर हो जाता है। अगर कोई आदमी वाकई में परमात्मा का आदमी है, उसकी शक्ल से जाहिर होता है। हम ये पहचानना ही भूल गए। यह हमारे अंदर की जो सेंसिटिविटी है, जो हमारे अंदर की संवेदनशीलता है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जब रामचंद्र जी संसार में आए थे, सब लोग जानते थे कि एक अवतार है। कृष्ण जब आए थे, सब लोग जानते थे कि एक अवतार है। लेकिन आज ये जमाना आ गया कि कोई किसी को पहचानता नहीं। ईसा मसीह के समय भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उस समय कुछ लोगों ने तो उनको पहचाना, पर आज तो ये समय आ गया है कि सब भूतों को और राक्षसों को लोग अवतार मानते। इस चक्कर से अपने को हटा लेना चाहिए और एक ही चीज मांगना चाहिए कि प्रभु तुम हमारे अंदर जागो, इससे हम अपने को पहचान लें। आत्मा को पहचाने बगैर हम परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। बाकी सब बेकार है, ये सब सर्कस है, ये सिर्फ इसको कहते हैं बाहरी तमाशे हैं। इस बाहरी तमाशे से, अपने को संतुष्ट रखने से कोई फायदा नहीं। आप अपने ही को धोखा दे रहे हैं। परमात्मा को कौन धोखा देगा? वो तो आपको खूब अच्छे से जानता है। आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको पाना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी संपदा है, आपके अंदर सारा स्रोत है, आपके अंदर भरा हुआ सब कुछ है, उसे आपको लेना चाहिए और फिर इसमें जमना चाहिए।
सहयोग में जब मैं आती हूँ लोग बहुत आते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ सबका ये कहना है कि माँ आगे लोग नहीं जाते। अब यहाँ पे ऐसे लोग हमने देखे कि जिनको हमें कभी उम्मीद नहीं थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और जो कि बहुत हम सोचते थे वो वहीं से वहीं जमे बैठे, फिर लेके आ गए वही सरदर्द, वही आफतें, वही परेशानियाँ, वही ये हो रहा है, वही वो हो रहा है। अभी भी उनका लेवल इतना ही ऊँचा उठा है। सहयोग में जब तक आप लोगों को देंगे नहीं तब तक आपकी प्रगति नहीं होगी, देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप देते रहेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे। कोई अगर आप, हम लोग बड़ी भारी बोट तैयार करते हैं, शिप तैयार करते हैं, अगर उसको हम पानी में नहीं छोड़ें तो उसका क्या अर्थ निकलता। उसी प्रकार है, अगर मनुष्य परमात्मा को पा करके भी और घर में बैठ जाए तो ऐसे दीप से फायदा क्या कि जो जला करके आप टेबल के नीचे रख दीजिए। दीप इसलिए जला जाता है कि दूसरों को प्रकाश मिले, उससे आप अपने अंदर अपने को भी देख सकते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं, आप अपने भी चक्र देख सकते हैं और दूसरों की भी देख सकते हैं, आप अपने भी आनंद को देख सकते हैं और दूसरों की व्यथा को भी देख सकते हैं, और आप ये समझ सकते हैं कि दूसरों को किस तरह से ये देना चाहिए, किस जगह ये चीज़ रुक रही है, किस तरह से इसको हमें बनाना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग अब ज़रा ध्यान करें, देखें कितने लोग पार होते हैं। आप लोग आराम से बैठिए, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियाँ मंगवा लीजिए और बैठिए, क्योंकि जो लोग नहीं बैठ सकते उनको ज़बरदस्ती नीचे नहीं बैठना चाहिए। सदा जी आप कुर्सी पर बैठे।